पीते हंसते मुस्कुराते हुए मेरे ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड, आज हम लोग एक नया डिश बनाते हैं। तो ये हमने सोया तेल लिया है, सोया बड़ी, और इसको हम गर्म पानी में भिगा के इसका पानी बिल्कुल ही निचोड़ लिए हैं। तो ये सोया हमने बिल्कुल ऐसे पीस लिया है, देखिए बिल्कुल सॉफ्ट नहीं होना चाहिए। तो प्याज हमने इसमें कट लगा लिया है, और लहसुन और दो हरी मिर्ची कट लगा लिया। तो अब इसे हम फ्राई करेंगे। तो अब इसमें हम जीरा जीरा ऐड करेंगे, और ये 5 फोरन है ये ऐड करेंगे, और इसके बाद ये प्याज इसमें थोड़ा सा हम कलर चेंज होने तक इसको फ्राई कर देंगे। ऐसे ही घंटा सा चेंज हो चुका है, तो अब इसमें हम थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे अपने टेस्ट के अनुसार, आप भी कर लीजिएगा। और थोड़ा सा इसमें जीरा पाउडर ऐड करेंगे, और थोड़ा सा हम इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे, थोड़ी सी हल्दी पाउडर भी ऐड कर लेंगे इसमें, और थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर। बस इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके फ्राई कर लेंगे थोड़ा सा। और इसके बाद हम इसमें सोया को डाल देंगे, और इसे भी हम 5 मिनट तक ऐसे ही सूखा फ्राई करना है, ढक के फ्राई करेंगे। तो इसमें हम थोड़ा सा कसूरी मेथी भी ऐड कर लेंगे, इससे अच्छा खुशबू आएगा। और आप हरी धनिया भी इसमें डाल सकते हैं। तो चलिए इसको 5 मिनट फ्राई कर लेते हैं अच्छे से। तो ये देखिए रेडी हो चुका है, बिल्कुल फ्राई हो चुका है, सूखा ही हमें फ्राई करना था। तो हम अजवाइन ऐड करेंगे, थोड़ा सा मंगरे मिला देंगे, और इसको बिल्कुल रोटी के जैसा आटा हमको सॉफ्ट डो तैयार करना है। तो बिल्कुल हम चलिए इसको आटा को रेडी करके मिलते हैं। तो हमने आटा तैयार कर लिया है, और इतना लोई लिया है, अब इसको हम बड़ा सा रोटी बनाएंगे। देखिए फ्रेंड, हमने रोटी पूरा इतना बड़ा बना लिया है, इसकी मोटाई देख लीजिए इतना मोटा है। तो अब इसे हम इस तरह का कोई भी आप ढक्कन ले लीजिए, और इसको रख के आपको गोल गोल में बस ऐसे प्रेस करिए। तो फ्रेंड, हमने रोटियां से इतनी सारी पूड़ियां काट ली है, इसमें इतना ज़्यादा हुआ है। तो चलिए देखिए, हमने फिलिंग इसमें हमें भरना है, चारों तरफ से हमने पानी लगा लिया है। अब इसको जैसे गुजिया को मोड़ के ऐसे फोल्ड करते हैं, तो ऐसे ही हमें फोल्ड करना है। तो सारा ऐसे बस प्रेस करके दबा देना है ऐसे। तो इसी तरह से हम सारा बना लेते हैं। तो देखिए, हमने पूरा बना के रेडी कर लिया है। तो अब चलते हैं इसका ग्रेवी बनाते हैं, ग्रेवी तैयार कर लेंगे। तो इसमें हम ग्रेवी में देखिए शिमला मिर्चा लिया है, ये हाफ टमाटर, और एक प्याज लिया है। तो इसे हम फ्राई करेंगे, हल्का ब्राउन हो जाएगा प्याज। तो इसमें हम तो प्याज का कलर चेंज हो चुका है, अब इसमें हम टमाटर ऐड कर देते हैं, और शिमला मिर्च भी ऐड कर देंगे, और इसे हम हल्का सॉफ्ट होने तक फ्राई करेंगे। इसमें हम थोड़ा सा नमक भी ऐड कर ले रहे हैं। सॉफ्ट हो चुका है, थोड़ा ही हमें सॉफ्ट करना था। और अब इसे हल्दी पाउडर डालेंगे, और थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, और इसमें मैगी मसाला भी ऐड करेंगे। नमक आपको उसके हिसाब से ही डालना पड़ेगा, और ये भी ध्यान रखना है कि इसमें बनाकर जो डो तैयार किया है उसको भी ऐड करना है। तो ये हम थोड़ा सा गरम मसाला भी ऐड कर लेते हैं, और इसे अच्छे से कुक करेंगे। तो ये हमारा फ्राई हो चुका है, मसाला तेल इसमें से निकलने लगा है। तो अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे, पानी बनाया है फिलिंग करके। अब इसको इसमें हम
कम से कम 7 से 8 मिनट इसमें डाल के हमें ढक के पकाना है। तो चलिए हम सारा ऐड कर लेते हैं। फ्रेंड हमने इसमें सारा ऐड कर दिया है, अब इसे ढक देते हैं, कवर कर देते हैं। फ्रेंड ये देखिए बन के रेडी हो चुका है, तो बहुत ही टेस्टी लगता है, यम्मी लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो फ्रेंड आप भी बना के खाइए, इसको नाश्ते में भी सुबह में भी ले सकते हैं, शाम को भी ले सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो के साथ में मिलते हैं।